पहले सचिवों को लेकर भाजपा की कठपुतली बना जिला प्रशासन। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने ली प्रेस वार्ता, विधायक बिसेन और मंत्री रामकिशोर कावड़े पर लगाए कई गंभीर आरोप। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे जिले का राजनीतिक माहौल भी गर्म होते जा रहा है, जहां सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोपों की झड़ी लगा रहे हैं, जिसके एक झलक जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार के निज निवास पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में देखने को मिली। जहां आयोजित इस पत्रकार वार्ता में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्यों व पदाधिकारियों ने कांग्रेस जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा किए जाने का आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने बालाघाट कलेक्टर सहित अन्य विभाग के अधिकारियों को सत्ता पक्ष की कठपुतली बताते हुए सत्ता पक्ष के इशारों पर काम करने और जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करने की बात कही है। जहां उन्होंने पंचायत सचिवों के ट्रांसफर को चुनावी फायदा लेने के लिए किए गए ट्रांसफर बताते हुए स्कूल चले हम अभियान, विकास यात्रा, भूमि पूजन, लोकार्पण, गणवेश वितरण सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा करते हुए विधायक गौरी शंकर बिसेन और मंत्री रामकिशोर कावड़े पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत चुनाव आयोग से किए जाने की बात कही है। देखिए, सचिवों का जो ट्रांसफर हुआ है ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है और भाजपा के विधायक मंत्री विधायक ने हमारे माननीय गौरी शंकर बिसेन जी और नानू कावरे जी ने अपनी मर्जी से अपने चुनाव को देखते हुए सचिवों को इधर का उधर किया है। यहाँ तक के कि कुछ सचिवों का ट्रांसफर अभी 6 महीने 8 महीने पहले हुआ था, उनको भी वहाँ से अलग कर दिया गया है, जबकि डिजिटल सिग्नेचर और ये और वो सब चीज़ों के लिए 3 से 4 महीना लग जाता है कोई भी सचिवों को स्टेबल होने में। अभी पंचायतें हमारी बहुत अच्छी चल रही थी और कोई किसी के खिलाफ में ना शिकायत थी ना कुछ था। इन्होंने द्वेष भावना से सचिवों को इधर का उधर किया है, अपने चुनाव के हिसाब से उन्होंने किया है और यहाँ तक के कि जिस तरीके से इन्होंने सचिवों का जो ट्रांसफ़र किया है, कई पंचायतें हमारी ऐसी है जिसमें अब सचिव ही नहीं है और उसके लिए हमारे पूरे जनपद सदस्य और जनपद उपाध्यक्ष अध्यक्ष सभी हमारे पास में सब शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उसकी सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है या तो ये चुनाव को देखते हुए अधिकारियों के साथ में मिलकर कोई साजिश है। इसकी जांच करना अति आवश्यक है। आप पता करें सरपंचों से भी कि उनका ट्रांसफर किस नियम से हुआ, कैसे हुआ, आपको सब पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज 15 साल 12 साल 13 साल हो गए, बल्कि ज़्यादा ही हो गए, यहाँ पे नगर पालिका में बैठी हुई है। उनको हर चीज़ पता है, कहाँ पानी रुकता है, कैसे पानी रुकता है, क्या कारण है पानी रुकने का। ये दूसरी चीज़ों में पैसे बर्बाद करते हुए जो मेन काम जो करना है, हर चुनाव में, हर विधानसभा चुनाव में उनका मुद्दा में यही रहता है कि हम यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो मुद्दे सब खत्म हो जाते हैं। जैसे कि अभी एक आप देख रहे होंगे जगह जगह पे बैनर पोस्टर लगे हुए कि मेडिकल कॉलेज आ रहा है। अरे मेडिकल कॉलेज आना रहता तो अभी तक चालू हो जाता, चुनाव के 1 महीना पहले भूमि पूजन करने का क्या है उसमें। ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने वाली वो है, लॉलीपॉप देने, जनता को कैसे गुमराह करे, जनता को कैसे गुमराह करे उसकी पूरी प्लानिंग है। हमारे कमलनाथ जी और दूसरी पार्टी में यही फर्क है कि ये जो बोलते हैं वो करते हैं। ये सिर्फ चुनाव के पहले अपनी घोषणाएं करते हैं या तो भूमि पूजन करते। भूमि पूजन आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए बालाघाट का, इतने भूमि पूजन हुए हैं लेकिन उसमें काम आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ ही परसेंट 5-10% काम होंगे जिसमें भूमि पूजन करने के बाद काम हुए, बाकी सिर्फ नाम के भूमि पूजन है, पत्थर अभी भी गड़े हुए दिख जाएंगे आप। देखिए, शासन जो द्वारा विकास पर्व मनाया जा रहा है, विकास पर्व में जनपदों के माध्यम से लेटर जारी हुए है जिसमें हर ग्राम के जो हमारे जिला पंचायत से, जनपद पंचायत से या ग्राम पंचायत से जो भी काम हो रहे हैं उसका भूमि पूजन और लोकार्पण होना है।
बड़े दुख की बात है कि हमारा जिला, जहां पर विधायक बीजेपी के भी है, कांग्रेस के भी है और जिला पंचायत भी हम बैठे हुए हैं, जिला पंचायत का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद के उपाध्यक्ष, सदस्य सभी लोग बैठे हैं, लेकिन मैंने अभी देखा कटंगी की लिस्ट, भूमि पूजन और लोकार्पण में जो वहाँ के प्रमुख अतिथि रहेंगे बीजेपी के मंडल अध्यक्ष रहेंगे, ये कोई जनप्रतिनिधि इलेक्टेड है या तो पार्टी का पर्व मन रहा है और हमारे अधिकारों को छीन के मन रहा है ये बताए। उसी तरीके से हमारे बैयर में भी वही किया है और लांजी और किरनापुर उधर साइड में कार्यकर्ता सम्मेलन और इसमें और उसमें सब जो है पूर्व विधायक रमेश भटेरे और इन लोगों का नाम दिया जा रहा है। तो क्या स्थानीय विधायक हमारी हिना कावरे जी नहीं है कि संजय उइके जी नहीं है कि जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार नहीं है कि राजा लिल्लारे नहीं है जो कि इनको, और तामलाल सारे जी का भी नाम इसमें नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि बीजेपी वालों को अभी खुद का काम दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि इन्होंने कोई काम ही नहीं करवाया, और हमारे काम जो हम जिला पंचायत से करवा रहे हैं, हम जनपद पंचायत से करवा रहे हैं, उस पर अतिक्रमण करते हुए अपना नाम वहाँ पे डाल के लोगों के सामने ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये काम हमने करा है, जो कि बहुत ही छोटी मानसिकता, गंदी मानसिकता ऐसी हो रही है, और इसमें अधिकारी कैसे उनका साथ दे रहे हैं ये तो सोचने वाली बात है। इसी तरीके से चलते रहा और ये सब रुका नहीं तो हमको मजबूरन चुनाव आयोग को इसकी कंप्लेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी हमें लग रहा है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की कठपुतलियाँ बन गई है, और वो जो भी जनप्रतिनिधि है उनका सम्मान करना भूल गई है। अब बाकी आपके क्षेत्र में स्कूल चले अभियान का शुभारंभ आज होना है और लगभग कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। जैसा कि मैं शिक्षा विभाग का सभापति हूँ, मुझे कहते हुए भी बड़ा दुख हो रहा है कि जब इस अभियान को लेकर 15 तारीख को जब बैठक VC आयोजित की गई, उस बैठक में मैंने देखा कि माननीय कलेक्टर महोदय, हमारे माननीय जिला पंचायत CO और हमारे मेरे जो सचिव हैं जिला शिक्षा अधिकारी, ये उपस्थित हैं, लेकिन जहाँ जिला पंचायत का उपाध्यक्ष जो शिक्षा समिति का सभापति है उसकी उपस्थिति होना चाहिए था, वहाँ पर उनकी स्थान पे आपको देखने को मिला है। अगर वैसे व्यक्तिगत तौर पे मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, लेकिन वो जिला भाजपा के अध्यक्ष सत्यनारायण अग्रवाल जी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है कि संपूर्ण हमारे अधिकारी, सारे अधिकारी, हमारे सारे विभाग के अधिकारी, कहीं ना कहीं हमारे कलेक्टर महोदय भी कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में कार्य कर रहे हैं। क्योंकि मेरा सीधा क्वेश्चन है कि आप मुझे बताइए कि किस प्रोटोकॉल, जब आप प्रोटोकॉल की बात करते हैं, कौन से प्रोटोकॉल के तहत आपने भाजपा के जिला अध्यक्ष को शिक्षा समिति के कार्यक्रमों में आपने मुख्य रूप से बिठाया, और आज जगह जगह पे कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया, उसमें हमसे अभी हमारी सामान्य सभा की बैठक के दिन ही शिक्षा विभाग से एक अधिकारी आकर उन्होंने हमसे नाम मांगा कि उपाध्यक्ष जी आप सभापति हैं शिक्षा समिति के, आप कौन से जिले के कौन से स्कूल में जाना चाहते हैं। मैंने बोला चलिए अच्छी बात है, मैंने हट्टा को सिलेक्ट किया, और हट्टा को सिलेक्ट करने के पश्चात इन्होंने मुझे लिस्ट भी बता दिया कि आपका हट्टा में नाम है, लेकिन ना मुझे किसी BRC ने कॉल किया, ना मुझे वहाँ के किसी प्राचार्य ने कॉल किया। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ कि सारे के सारे अधिकारी सिर्फ और सिर्फ दबाव में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रश्न? किस आधार से बैठे हैं, किस अधिकार से बैठे हैं, ये तो मैं कलेक्टर महोदय से भी मैं ये पूछ रहा हूँ ना, किस अधिकार से बैठे हैं आप बताएं, मुझे जवाब दें कि किस अधिकार से भाजपा के जिलाध्यक्ष को आपने उस कार्यक्रम में बिठाया है, जबकि वहाँ जो चेयरमैन है शिक्षा विभाग का उसकी उपस्थिति होनी चाहिए थी और उसको तो जानकारी नहीं है। अब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, प्रदेश स्तर पे आयोजित हो रहा है, उसमें शिक्षा विभाग के चेयरमैन को कोई जानकारी नहीं है। तो बिल्कुल सीधा सीधा आप सरकारों के दबाव में काम कर रहे हैं, और ऐसे दबाव में कार्य करना है तो जिला पंचायत को नील कर दो ना, शून्य कर दो,
क्यों सभापति शिक्षा विभाग का बड़ा इतना बड़ा पद दे दिया चेयरमैन, सभापति चेयरमैन कितना क्यों इतना बड़ा पद दे दिया आपने, उसको निष्क्रिय कर दीजिए आप, चुनाव मत करवाइए। हमारे चार विधायक है मराठी से, दो विधायक बीजेपी के। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पंचायत से लेके जिला पंचायत तक अतिक्रमण है बीजेपी का, और जो भी कांग्रेस का प्रतिनिधि है उसकी आवाज़ को, उसके काम को दबाया जा रहा है, उसको काम करने नहीं दिया जा रहा है, ये आप लोगों को भी अच्छे से पता है। और चाहे वो सचिव का ट्रांसफर का मामला हो, चाहे वो डॉक्टरी मतलब स्वास्थ्य विभाग का किसी कर्मचारी का मामला हो, सारे विभाग का मामला सिर्फ एक ही है, भ्रष्टाचार, सिर्फ पैसा। अभी क्या ऐसी दिक्कतें थी जिसकी वजह से आपको ट्रांसफ़र करना पड़ा? कोई सचिव नहीं जाना चाहता जिस पंचायत में है, ना उनके किसी प्रकार के कोई आवेदन है, ना उनके किसी प्रकार के कोई भ्रष्टाचारी है, ना उनके किसी प्रकार का कोई खिलाफ में कोई नोटिस लिखा है। तो ऐसी क्या आपत्ति आ गई कि तुमको ट्रांसफ़र करना पड़ा? किसी भी नियम के विरुद्ध में 4 साल 5 साल के बाद ही उसका ट्रांसफ़र किया जाता है, ये 6 से 7 महीने में ट्रांसफ़र किया जा रहा है एक एक सचिव का। दूसरी चीज़ ये है कि जिला पंचायत में आज जिला पंचायत अध्यक्ष जो बैठे हैं उनको भी किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये आप भी जानते हो। कहीं भी किसी पूरे जिले में आप जाके देख लो, जिला पंचायत सदस्य जिला पंचायत अध्यक्ष का किसी प्रोटोकॉल में, नाम में, किसी प्रोटोकॉल के नियम में कोई पालन नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि सरकार जो योजना ला रही है सारी योजना फेल है। संबल कार्ड के पैसे कम से कम 2 साल से लोगों को नहीं मिले जो मर गए, मनरेगा के पैसे लोगों को नहीं मिले सामग्री के, अभी तक जो काम हो चुके हैं 1.5 साल 2 साल पहले वो काम अभी तक नहीं मिले। 15 वित्त का पैसा जो था, 15 वित्त की योजना कार्ययोजना ही बन रही है, अभी तक लोगों के खाते में पैसे नहीं आए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता का सबूत है। 15 साल होने लगा मुख्यालय, यहाँ पर विधायक महोदय भी यही के हैं बीजेपी के, और 15 साल से नगरपालिका की सत्ता भी उनके हाथ में। तो आज जब मुख्यालय का ये हाल है तो आजू बाजू आप जाके देखो, जिला पंचायत में 15 साल से ये लोग बैठे थे वहाँ के हालत जाके देखो। जिस जनपद पंचायत में मैं खुद 8 साढ़े 8 साल से हूँ, वहाँ पर आज भी पानी टपक रहा है, वहाँ खुद भ्रष्टाचार है। तो आजू बाजू पंचायतों की तो आप बहुत दूर की बात है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक तरफा जो जनप्रतिनिधियों के साथ जो अतिक्रमण और इनको जो रोकने का काम किया जा रहा है, तो ये हमारे लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे कामों का हम विरोध करते हैं, और आने वाले समय में जो है जनता इनको पूरी जवाब देगी, इसके जवाबदारी खुद ही होगी। कुल 77 पंचायतें हैं, 77 पंचायतों में अभी वर्तमान की स्थिति में 62 सचिव मात्र हैं, जबकि ये ऐसी पंचायतें भी कई हैं जिनमें ट्रांसफ़र हुए हैं जिसमें ना रोजगार सहायक है ना सचिव है। आज की वर्तमान स्थिति में ये हुई है कि ना रोजगार सहायक है ना सचिव है, अपने समन्वयक अधिकारी को वित्तीय पावर दिया जा रहा है, जबकि पूरे नियम विरुद्ध ट्रांसफ़र किए गए हैं। और अभी 1 साल से जब देखा गया कि एक दो महीने में ट्रांसफ़र सचिव रोजगार सहायक के नियम विरुद्ध होते रहे, उसके बाद भी ये ट्रांसफ़र होना बहुत ही नियम विरुद्ध है, इसका तो विरोध होना ही चाहिए। आप देख रहे हैं बालाघाट खबर।